गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस प्रकार है कि मैंने शावर ले लिया है, गोलू ने भी और आर्यन के पापा ने भी। अब हम मेरे घर में बन रही है ये दूसरी चाय। तो गर्मियों में तो सुबह के टाइम दो बार बन जाती है चाय, और सर्दियों में तो बार बार बन जाती है, दो तीन बार या चार बार। तो अब चाय बन रही है मेरी, और मैंने आज गोलू ने भगवान जी को नहलाया है ज़बरदस्ती। मैंने मना किया था, जब भी ज़बरदस्ती नहला दिया और रोने लगी, तो मैंने सोचा चले आज तू ही नहला ले। तो गोलू ने नहलाए हैं भगवान जी, बाकी पूजा मैंने की है, उसे दिया नहीं जलाने दिया मैंने। आज साइमन की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। अभी आर्यन ब्रेड लेने गया है, तो ब्रेड में मैं आलू छोंक के उसमें डाल के सेकूंगी। तो साइमन की फरमाइश है ये, तो दो तीन दिन हो गए उसे कहते कहते। बच्चों को तो कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन तब भी ये कहते हैं कि आज ये अच्छा नहीं बना, आज वो अच्छा नहीं बना। तो कल पनीर की सब्जी खा के तो बच्चों को मजा आ गया, और अब साइमन सिखवा रहा है ब्रेड। मस्त प्लान है। तो अब मैं बनाऊंगी, यही हमारा है आज का नाश्ता। तो नाश्ता रेडी के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, और मैं चाय भी रेडी कर लेती हूँ और नाश्ता भी। तो फिर मैं आपको ये नाश्ता दिखाऊंगी, तो जब तक के लिए बाय। है मेरे आलू, और मैं इनको फटाफट छील लेती हूँ। गाइज, मैंने इसमें डाल दिए हरी मिर्च, और ये है आलू। तो इन्हें मैं छोंकूंगी जैसे सिंपल तरीके से छोंकते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है, तो मैं पहले इन्हें छोंक लेती हूँ, फिर मैं आपसे करती हूँ बात। तो गाइज, मैंने आलू को छोटा छोटा करके, बहुत छोटा छोटा किया मैंने आलू को ये, और मैंने इसमें ब्रेड में इस तरह से लगा दिया। और मैं इसको इसी कढ़ाई में सेक लूँगी। इसके सारे आलू मैंने प्लेट में डाल लिए हैं, और अब मैं इसको एक और ब्रेड ला के इसमें सेक लूँगी। तो गाइज, ये सीख गए हैं मेरे ब्रेड, और जो मैं दूसरी तरीके से बनाती हूँ वो खाता है साइमन। तो मैंने एक कटोरी में लिए सॉस, और इसमें डालूंगी मैं सूखे आलू। तो गाइज, मैंने इसमें डाल लिया है सॉस, और मैंने मिक्स कर लिया। मैं इसको रखूंगी ब्रेड में। तो ये मैंने ब्रेड में रख दिया है, और अब मैं इसके ऊपर एक और ब्रेड लगाऊंगी और इसको सेक लूँगी। गाइज, ये हैं दो सॉस वाले, और ये बिना सॉस के हैं। ये है साइमन का नाश्ता, और अब मैं देने जा रही हूँ साइमन को। साइमन ले। ओह माय गॉड। और गाइस, सुबह जो है मेरे साथ गोलू जल्दी उठ गई थी, और ये फिर से सो गई है। गोलू उठो, गोलू नाश्ता कर लो नाश्ता। चलो 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 चलो। पूजा पाठ करके फिर से सो गई। गाइज, यही है हमारा सिंपल सा नाश्ता। तो जब ये साइमन को बहुत पसंद है, जब साइमन जिद करता है उसकी जिद से ही बनते हैं मेरे ये ऐसी ऐसी चीज़ें, उसकी जिद से ही बनती है, तो मैंने ये बनाया। तो गाइज, आज आए हैं चिली मोमोज 3 प्लेट, और ये भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं खाने में। इनमें बहुत मिर्च लगती है। हैं, बोलूं? इनमें मिर्च लगती है बहुत। बस मिर्च लगती है। गाइज, आप भी खा लो। तो ये गाइज गोलू खा रही है चिली मोमो, और कह रही है आप भी खा लो गाइज। टू थ्री गाइज, आप भी खा लो, आपका जो मन करे तो खा लिया करो। जो आप खाओगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आप खा लो ना। खिलाओ फिर, खिलाओ। गाइस, अब बज रहे हैं शाम के 7:30, और मैंने चाय पी ली है सभी ने। और आज मैं बना रही हूँ बैगन आलू की सब्जी। ये है बैगन आलू की सब्जी। और गाइस, मुझे फिर से हो गया है जुखाम, और वो ये जुखाम बार बार सही हो जाता है, और बार बार जुखाम हो जाती है, पता नहीं अपने आप ही। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, पता नहीं क्यों होती है। और मेरे पड़े हैं बर्तन, बर्तन साफ करूंगी। और आज का प्लान यही है कि बस आज खाने में बैगन आलू बनेंगे। बैगन आलू इसलिए बनेंगे क्योंकि गोलू ने कहा था दो तीन दिन पहले, वो दो तीन दिन पहले से ही कह रही थी कि बैगन आलू बनाओ, बैगन आलू। तो इसकी फरमाइश पे बैगन आलू बन रहे हैं। क्या पता इसको अच्छे लगते हो ज़्यादा बैगन आलू, तो मैंने इसलिए बैगन आलू बनाए हैं आज। और जब मैं ये बर्तन बर्तन साफ कर लूँगी, तो मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। जब तक के लिए बाय। तो मैंने साफ़ कर लिए हैं, और इधर मेरी बैगन की सब्जी बन चुकी है।
क्योंकि बैगन की सब्जी मेरी बन चुकी है। और गाइस पूजा मैंने कर ली है। तो गाइस आर्यन के पापा लाए हैं ये सिरप। ये सिरप मुझे गर्म पानी में एक ढक्कन डाल के पीनी है और मैं कर रही हूँ गर्म पानी। तो गाइस ये है वो सिरप और ये मैंने ले ली दवाई और मैं ये डाल ली हूँ इस गर्म पानी। तो गाइस मैंने डाल ली इसमें ये दवाई। मुझे ये सूखनी भी है साथ के साथ पीनी भी है। देखते हैं जुकाम में कोई असर होता है या नहीं। तो आए नहीं थे वो। कौन? जब नानी आ गई तो आ गए थे मूसा जी लेने के लिए गोलू को। गर्म पानी है गोलू, दवाई है इसमें मेरी, पीछो जल जाएगी नहीं तो। तो मूसा जी का वेट कर रही थी तू ताकि तुझे लेने आ जाए? क्यों, तुझे यहाँ आने की लग रही थी? अब मैं तुझे भेज दूंगी तेरे घर, फिर कैसे करेगी? तरबूज ठंडा है, ठंडा हो गया होगा तरबूज। तो गाइस मैं ले आई हूँ ये दवाई। मुझे ये दवाई सूंघनी भी है और पीनी भी है, साथ के साथ सूंघते भी रहनी है मुझे और ये पीनी भी है। और देखते हैं क्या होता है। बहुत तेज जुकाम हो गई है मुझे। मैंने काटा है तरबूज गोलू के लिए, क्योंकि जब से तरबूज आया है जब से गोलू को सबर नहीं है, बार बार फ्रीज खोल खोल के देख रही है कि अब काट दो अब काट दो। तो मैंने फाइनली अब उसको तरबूज काट दिया है। गोलू खाएगी तरबूज। तो गाइज ये तरबूज जो है अभी ठंडा नहीं हुआ है, गोलू ने कटवा लिया तो हम तो ठंडा होने पर खाएंगे। पर मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए। आज मैंने बनाए थे दोपहर को दाल चावल, तो ये मेरी साबुत मसूर की दाल है, ये देसी दाल है, तो ये बच गई है। और देखो गाइस कितनी गाढ़ी हो गई है। और अब मैं इसको दोबारा से छोंक के इसमें पानी डालूंगी और खौलाऊंगी। मेरा दूध का भगोना, और अभी अभी मैंने इस दूध के भगोने में से निकाली है मलाई और इसमें ही मैं आटा गूंदूंगी। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, मतलब व्हाट इज दिस दीदी दीदी। तो ये आटा मैं इसमें डाल, तो गाइस मेरा आटा गूंद गया है और मलाई भी मैंने इसी आटे में लपेट ली है। तो मैं ऐसे ही अपने भगोने में ही आटा गूंद लेती हूँ, मलाई भी वेस्ट नहीं होती है और भगोना भी एकदम इस तरह से, और सारी मलाई भी आटे में आ जाती है। गोलू के लिए बैगन की सब्जी बनाई है, तो गोलू ने ये डलवाई है डंठल बैगन की और कह रही है कि मैं यही तो खाती हूँ। तो गोलू के लिए मैंने डंठल डाली। खाने में है बैगन आलू की सब्जी और रोटियां, और ये है दही। दही में मैंने थोड़ा पानी मिलाया, नमक मिर्च और काला नमक डाल के मिक्स कर दिया है मैंने, तो मुझे ये अच्छा लगता है। तो आज खाने में यही है। तो गाइस चलो खाना खाते हैं। हमने खा लिया है और आज भी बहुत गर्मी है, गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मुझे सपोर्ट करें, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जब फिर कल मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय माता दी एंड टेक केयर।